हेलो व्यूवर्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोटा फ्लावर। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप इसे अपनी साड़ी को, राजपूती पोशाक को या कुर्ती को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यह पतला गोटे की ज़रूरत होगी जो हमने यहाँ पर लिया है, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। हमने दो अंगुलियाँ ली है, उन अंगुलियों पर इस तरीके से घुमाया है इस गोटे को नीचे की तरफ नहीं आने दिया है, बस ऊपर ही ऊपर हमें करना है, अच्छे से राउंड घुमाना है, गोटे को नीचे नहीं उतारना है। इस तरीके से आप जितना बड़ा फूल बनना चाहते हैं, जितना गहरा आप फूल बनना चाहता है, उतनी आप यहाँ पर राउंड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। हमने यह राउंड पूरा कर दिया है। अब हम सुई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रहे, एक भी गोटा छूटना नहीं चाहिए और धीरे धीरे आपको इसके अंदर डालना है। हमें यह सेंटर में सुई को डालना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, और धीरे धीरे डालेंगे तो एक भी गोटा नहीं छूटेगा और बराबर सेंटर में आएगा। तो इस तरीके से आप सुई को इसके अंदर डाल दीजिए और सुई को बाहर नहीं निकालना है, बस इसके अंदर डालना है और अपनी अंगुलियों को इस तरीके से बाहर निकालना है। तो आप उंगली बाहर निकालने के बाद इसे थोड़ा दबा दीजिए और धीरे धीरे करके एक एक गोटे को निकाल दीजिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इस तरीके से आप गोटे को निकालते रहें। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपको यहाँ पर गोटे के सारे तरीके बताऊँगी ताकि ईजी से आप अपनी पोशाक को डेकोरेट कर। तो हमारा फूल बन करके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अपने फूल को बना सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको अनुमान लग सकता है कि आपको इसे कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो बस आपको नॉर्मली स्टिच करना है जब आप जिस पर लगाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे फैब्रिक गम से अच्छे से चिपका सकते हैं, आपस में चिपका करके एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक गम का यूज़ करने से फैब्रिक गम वापस नहीं जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग से अपने कपड़े पर चिपक जाता है। तो आप अगर नहीं सिलना चाहते हैं तो फैब्रिक गम से इसे चिपका भी सकते हैं, वह भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से इस फूल को बनाना है और कुछ पिक्चर्स से जो देख लीजिए ताकि आपको इजी लगेगा डेकोरेट करने में। इस तरीके के पिक्चर्स से बहुत ही सुंदर है, आप भी अपनी साड़ी को घर पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।